बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। लहलाती फसलें बर्बाद होते देख किसानों का कलेजा फट सा गया है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश में आलू की 70% और गेहूं की 50% फसल बर्बाद हो गई है। समाचार पत्र ने ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों का दर्द जाना। खेत में खड़ी लहलहाती फसल को गिरते हुए जब किसान देखता है तो एक हूक निकल जाती है, दिल धक से बैठ जाता है और कोसने लगता है अपने भाग्य को कि कैसे बच्चे की तरह देखभाल कर बड़ा किया। जब उसकी मेहनत का फल मिलने का समय आया तो इंद्रदेव को बिल्कुल रहम नहीं आया। आसमान में छाए काले बादल, ये सिर्फ बादल नहीं किसान की बर्बादी की पानगी है। उधर बादल बरसते हैं, इधर अन्नदाता की आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती है। इस बेमौसम बारिश ने कमर तोड़ कर रख दी किसान की। कभी तेज बारिश तो कभी ओलावृष्टि और कभी हल्की बूंदाबांदी ने फसल के साथ साथ अन्नदाता के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। पककर कटने को तैयार खड़ी सरसों की फसल और दाने से भरी गेहूं की बालियां बारिश की वजह से धूमिल हो चुकी है। सिर्फ गेहूं और सरसों ही नहीं, रबी की किसी भी फसल पर बर्बादी की बारिश को तरस नहीं आया और किसान को मातम करने पर मजबूर कर दिया। पहले जहां खेत में लहलहाती हुई फसल नजर आती थी, आज वहां दूर दूर तक बिस्तर बनी फसल नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे बारिश ने फसल के साथ साथ किसान की उम्मीदों पर भी पाटा फेर दिया। बात करते हैं बुंदेलखंड की। सूखे से त्रस्त सूबे का यह हिस्सा आज बारिश से बेहाल है। जब किसान को बारिश की जरूरत थी तो बादल बेगाने थे, जब बरसने लगे तो बेताल बन गए। तेज बारिश से खेतों में पानी भर चुका है, फसल सड़ने लगी है और तेज हवाओं ने फसल के साथ साथ हल्दर को भी निष्प्राण सा कर दिया है। हमीरपुर, ये देखिए खेत कैसे तालाब बन चुके हैं और फसल के साथ साथ किसान के अरमान भी इस पानी में डूब चुके हैं। बारिश से खेतों में बिछी फसल बर्बाद हो चुकी है। ये बेमौसम बारिश बुंदेलखंड के हमीरपुर में बर्बादी का पैगाम लेकर आई। इस बर्बादी का जिक्र करते करते ये महिला कैमरे के सामने कराह उठी, रोक नहीं पाई आंखों से लुढ़कते आंसुओं को और भर भराती जुबान से दर्द बयां कर दिया। अब क्या करोगे, तुम्हें फसल खराब है, क्या करोगे तुम? कुछ नहीं, कहा करूंगा, किधर ही किसानी की कुछ नहीं। कुछ सहायता मिली है पिछली बार? कुछ नहीं, हमका बटिया टिया लाया, हमका सब हमारी खेती पाती बुढ़ा हमारा ला रहा हुआ है, बुढ़ा मर गया था ना, आगे चार चार पांच पांच बीघा का कहा होता। लगातार बरस रहे बादलों ने बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। किसानों की कब्रगाह के नाम से पहले ही बदनाम बुंदेलखंड अपनी बर्बादी पर खून के आंसू रो रहा है। कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं तो कई की सांसें सदमे की वजह से साथ छोड़ गई। लगातार फसल खराब होने से कर्ज रूपी बेताल का बोझ किसान के कंधों पर बढ़ता ही जा रहा है और अन्नदाता मौत के मुंह में जाने को मजबूर हो रहा है। अभी बरसात हुई, इससे कितना नुकसान हुआ है? अब ऐसे फसल सब ऐसे नुकसान है बाबूजी। तो कुछ सहायता मिली है? पिछली बार बर्बाद हुई थी फसलें। अब सहायता कहाँ मिली है, जो कुछ होते तो अब ज्यादा हुईगा, जो आशा तो अब ज्यादा हुई, नुकसान ज्यादा हो गया। हाँ। आपका क्या क्या बर्बाद हुआ है? आपका वहाँ जहाँ मॉडल हो चुका वहाँ ज्यादा खेती बर्बाद ही, मतलब वहाँ यहाँ मटरा है, ये प्लाट में मटरा है,
हम लोगों को कम से कम हमारा 99% तो पूरा पूरा नुकसान हो गया। 1% हमें क्या बचता है साहब, कुछ नहीं बचता हम लोगों को, हम तो मर गए। छोटे छोटे किसान हैं, बड़े किसानों की तो बात ठीक है कि कम से कम अगर मान लो बड़े किसान हैं तो उनके कम अगर 100 बीघा जमीन है तो 50 बीघा अगर उनका है 25 बीघा में उनके खाने भर के लिए हो जाएगा। हम लोगों को तो भूखे मरना है। महोबा, पिछले 1 दशक से प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप से परेशान बुंदेलखंड में एक बार फिर बारिश ने बर्बादी की इबारत लिख दी है। घुमड़ घुमड़ कर आ रहे काले बादलों ने कालिक पोत दी किसान की आशा उम्मीदों पर। निराशा के नरक में जी रहे किसान के लिए आज 2 जून की रोटी दूर की कौड़ी नजर आ रही है। महोबा में मेघों ने तबाही का ऐसा मंजर मचाया कि मार्च का महीना मातम का महीना बन गया। सालों से सूखे का दंश झेल रहे महोबा में किसान पर कुदरत कहर बनकर टूट पड़ी। हमारे यहाँ जो है तो ओलावृष्टि में सभी फसलें नष्ट हो चुकी है, हमारे कुछ नहीं रह गया हवा। कर्ज है तो वो मांगने आते, हम कहाँ से दे दें, हमारे नहीं है साहब यहाँ कुछ है। कितनी एकड़ की फसल बर्बाद हुई है तुम्हारी? हमारे यहाँ कई एकड़ों की फसल बर्बाद हो गई। प्रशासन की गाड़ी पहुँचे नहीं? कोई नहीं पहुँचा है साहब, कोई नहीं पहुँचता है। बर्बादी की बारिश ने खेत को ही लहलहाती फसल की कब्रगाह बना दिया। किसान की उम्मीदें खेत में ही दफन हो गई। लहलहाती फसल को देखकर जिन आंखों में चमक आ जाती थी, आज उन आंखों में तबाही के मंजर को देखकर सिर्फ और सिर्फ आंसू हैं। इतना ओला पड़ा, इतना ओला पड़ा कि पूरी फसल बर्बाद हो गई सर। बाल बच्चे को कैसे खमाएंगे, कैसे रखेंगे, सब रो रहे हैं सर, कुछ नहीं बचा। झांसी, पिछली बार की ओला वृष्टि के घाव अभी भरे नहीं थे कि बारिश और ओलों ने उन घावों को फिर से हरा कर दिया। झांसी जनपद में पिछली बार लाखों किसान ओला वृष्टि के कारण बर्बाद हो गए थे, जो आज तक मुआवजे की बाट जोह रहे हैं। पुराने जख्मों पर पूरी तरह मरहम लग भी नहीं पाया था कि कुदरत ने नए घाव दे दिए। दूसरों का पेट भरने वाला अन्नदाता आज खुद भुखमरी की कगार पर है। बैंकों और साहूकारों का कर्ज चुकाने का कोई रास्ता तक नजर नहीं आ रहा। सोचा इस बार फसल अच्छी हुई तो तकदीर बदल जाएगी, लेकिन कुदरत ने किसान के घावों को फिर से कुरेद दिया। किसान फसल काटने की तैयारी में था, लेकिन मौसम का मूड कुछ और ही था। पूरे झांसी जनपद में खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। ओरियन ने साहब मिटा दिया तो आपके लाने आए ना कचेरी पे जाए। फसलें खराब हो गई, गेहूँ बोए थे और सरसों बोए थे, नुकसान सर ओरे से हुआ है, पानी से भी हुआ है। कम से कम 300-300 ग्राम का ओरा था सर, बबीना ब्लॉक के अंदर। आज तक कोई मामला ना पिछला बटा है सर, ना अभी बटा है। अभी डीएम साहब से की है, वो कह रहे जांच होगी। गांव में अधिकारी लोग जाते हैं, एक जगह बैठ गए, उनने अपने मेफल के आदमी लिखवा दिए और बस चलते बने। और गरीब लोग जो छोटी वर्ग के किसान हैं, उन्हें आज तक कोई राहत नहीं मिली है सर। बहरहाल बुंदेलखंड बेहाल है, किसान करहा रहा है, आसमान से बरसती बर्बादी अन्नदाता की आह निकाल रही है। अभी तक सूखे से जूझता सूबे का ये हिस्सा अब बेमौसम बारिश के बेताल के नीचे दबा जा रहा है। मार्च का महीना किसान के लिए मातम का मंजर लेकर आया। अब सरकारें किसान के ना दिखने वाले जख्मों पर कैसे मुआवजे का मरहम लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस।
तो किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाराबंकी अलीगढ़ में भी किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने से किसानों को बड़ा सदमा लगा है, जिसकी वजह से मौतों का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा है। बाराबंकी के थाना दरियाबाद के वीर किठई गांव में किसान की मौत हो गई है। बाराबंकी के इस किसान की कमाई का एकमात्र जरिया खेती थी और फसल बर्बाद होने से यहां सदमे से मौत किसान की हो गई है। तो वहीं अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के खरुआ में भी किसान की मौत हो गई। अलीगढ़ में अब तक 5 किसानों की मौतें हो चुकी है। बता दें आपको कि बुंदेलखंड में भी कई किसानों की मौतें हो चुकी है। तो फसल बर्बाद होने से किसानों को बड़ा झटका लगा है, बड़ा सदमा लगा है, जिसकी वजह से लगातार किसानों की मौत हो रही है।